हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पुनः नवीन सुबोध पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एलिकोन। पता है सभी को, एक तो आप पढ़ लिया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास कंटेंट पहुंचने लग चुका है, खूब कंटेंट पहुंच गया है, ठीक है ना। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं या जो भी टॉपिक, जो भी मेटेरियल आपको पहुंचा है वो आपको हर चैप्टर में, अगले चैप्टर में आपको काम आने वाला है, ठीक है बेटा। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हमारी कौन सी चल रही है, इसमें चल रही है हमारी जिसमें दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें COH बंध टूटता है। कौन सा बंध टूटता है? COH बंध टूटता है, या कहें नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जो पहली बार आज जुड़ रहे हैं वो टेंशन ना लें, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको अच्छे से चला चुके हैं और दोबारा से हम आपको बता देंगे। नाभिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही है और इसमें मैंने आपको सबसे पहले जो अभिक्रिया करवाई थी ना, वो कौन सी अभिक्रिया है? हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करवाए, है ना। एक मिनट इससे जुड़ते हैं, फिर इसी में अभिक्रिया हमारी रह रही है वो हमको आगे करनी है। एल्कोहल है ये ROH, और इसकी क्रिया HX हाइड्रोजन हैलाइड, या इसको हम हैलोजन अम्ल भी कहते हैं, इनके साथ करवाए। तो HX कैसे टूटता है? हाइड्रोजन पर प्लस, हैलोजन पर माइनस, आपको पता है विद्युत घनत्व इसकी ज्यादा, तो विस्मान बल विखंडन। जब ये HX विस्मान बल विखंडन होता है, एल्कोहल पर आक्रमण करेगा, तो यहां पर विस्मान बल विखंडन होगा, बंधक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे माइनस और कार्बन पर प्लस, ठीक है ना। ये माइनस इस प्लस को लेकर H2O, और ये ROX एल्किल हैलाइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी चल रही है, कल की क्लास में आपने देखा, ठीक है ना। इसमें फिर हमने आपको बताया था दो तीन चीजें, हमने बताया कि इसमें मध्यवर्ती कौन बन रहा है। आप देखिए कार्बन पर धनावेश कार्बोनियम आयन बनता है, तो कार्बोनियम आयनों के इस टाइप का जो क्रम हमने आपको बताया, सबसे अधिक इसका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, उससे कम है 2 डिग्री, और उससे कम है 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये हम पढ़ चुके हैं। स्थायित्व का ये क्रम किसके आधार पर था? ये क्रम था प्लस आई प्रभाव के आधार पर। और कोई सा भी अभिक्रिया हो, कोई सी भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलती है? जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो, बनने वाला मध्यवर्ती क्या हो? अधिक स्थायी हो। और मध्यवर्ती कौन सा अधिक स्थायी बनता है? जिस पर आवेश की मात्रा कम हो। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं उस आधार पर पिछले उसमें क्लास में। इसके अलावा एल्कोहलों के प्रति हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम ये है, आपको पता है सबसे अधिक क्रियाशील HI, उससे कम HBr, और सबसे कम इनमें HCl। मैंने आपको बताया था जहां बंध सामर्थ्य घटती है वहां क्रियाशीलता बढ़ती है। बंध सामर्थ्य मतलब, बंध सामर्थ्य कहां घटेगी? जब बंध लंबाई बढ़ेगी। बंध लंबाई कहां ज्यादा है बोलो? आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, तो बंध लंबाई सबसे ज्यादा, तो बंध सामर्थ्य सबसे कम, तो ये क्रियाशीलता इसकी सबसे ज्यादा। ये मैं आपको कल बताया था, उसके आधार पर मैंने आपको पहले एक अभिक्रिया लिखाई थी, एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ निर्जल जेड HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है, ठीक है ना ये। और निर्जल जेड HCl2 प्लस सांद्र HCl को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। और हमने क्या कहा था कि HCl से क्रिया करके एल्कोहल जो है वो क्या देता है? एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप देता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक हमने क्या बताया था? HCl प्लस ZnCl2। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेद करने में काम आता है, ये अपने कल की क्लास में पढ़ चुकी है। तो उसमें बताया था ये तुरंत इसके साथ क्रिया करता है, 2 डिग्री 5 मिनट में क्रिया करता है, 1 डिग्री सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करता है। वैसे अगर लंबे समय तक रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्रिया कर लेता है। इतना हम कर चुके हैं, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको,
एनक्वल जो है, अभी देखिए जितनी भी प्रकार से अप्रियाएं आ सकती हैं आपके ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के आगे वो सारी अप्रियाएं इससे संबंधित में यहां कराने की कोशिश करूंगा। अब अगर सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि एचआई जो है, एचआई तो बिना किसी उत्प्रेरक के ही डायरेक्ट क्रिया कर लेती है। आपको पहली अप्रिया करवाई थी मैंने, फिर एससीएल के बारे में, एससीएल नेचुरल गैरेंसीएल टू की उपस्थिति में क्रिया करता है। और अगर हम बात करें एचबीआर की, तो एचबीआर जो है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र। आपको बताएं सांद्र को इंग्लिश में यूं कंसंट्रेट भी लिख सकते हैं और तनु को क्या लिखते हैं अपन? डाइल्यूट। सांद्र और तनु समझते हो, जिसमें सांद्रता ज्यादा है, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, वो सांद्र है। अब क्रिया सेम उसी प्रकार से होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। HBr कैसे टूटेगा बोलो बेटा? H पर प्लस, Br पर माइनस। यहां पर जब ये HBr विस्मान बंध विघटन होकर यहां आक्रमण करेगा तो यहां ये बंध टूटेगा OH पर माइनस और कार्बन पर प्लस। तो ये H प्लस इस OH माइनस को लेकर H2O। अच्छा, हम यहां पर जो माइनस में लिख रहे हैं इसको यहां पर आगे प्लस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका इससे याद होना, इसे समझना कौन सा मुख्य उत्पाद बना क्या बना, तो उससे अच्छा रहता है। इसके इस प्रकार से अभिक्रिया को लिखा जाता है CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड और ये एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, बोल बात समझ में आएगी। अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें और बता रहा हूं। कौन सी बातें? देखिए, अगर आपके पास अभिक्रिया आ जाए, जैसे मैं कहूं कि कोई अभिक्रिया आपको NaBr के साथ कराए, किसके साथ कराए? NaBr, और अभिक्रिया कराए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। एक बात और ध्यान से सुने, यहां पर जो उत्प्रेरक है ना वो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया को प्रारंभ कराता है, अंत तक पहुंचाता है, वापिस आ जाता है। तो यहां जैसे हमने इस उत्प्रेरक को यहां लिखा है इसके एरो के ऊपर, तो ये उत्प्रेरक आपको यहां प्लस के रूप में भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना? अभिक्रिया आपको जैसे ऐसे आ सकती है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है बोर्ड में कहीं भी, ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, आप तो इससे घबराना। ये लिखने के तरीका है OH प्लस HBr प्लस H2SO4 कंसंट्रेट। अब वो पूछेगा उत्पाद क्या बनेगा, तो आप इससे घबराने के, गुरुजी ने एरो पर लिखा, ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिख के आएगा तब भी उत्पाद यही बनेंगे, ठीक है ना? अब सुनो, यहां पर एक बात और देखिए, अगर कोई आ जाए कैसे कि NaBr के साथ क्रिया कराएं, किसकी? एल्कोहल की। सुनो, एथिल एल्कोहल नाम, इसका रूम नाम है, पता है आपको? ठीक है, और यहां पर ये आएगा आपका H2SO4। ध्यान से सुनिए, ऐसी अभिक्रिया आ सकती है और आई भी है, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा दिमाग, मैंने आपको क्या कहा ऊपर क्या हैलाइड डलवाई है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, किससे क्रिया? हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। तो आप थोड़ा अलग हटके देखे ना, तो जो NaBr है ना और H2SO4 जो है वो क्रिया करके वो क्या बना लेते हैं, देखो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और एक H जो इसने त्याग है ना, इसको Br प्लस HBr। मैं आपको बता रहा हूं अभी क्रिया यहां कराऊंगा, लेकिन आप सुने क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको NaBr प्लस H2SO4 दिया है एल्कोहल से क्रिया कराने के लिए, और हमने एल्कोहल की क्रिया HBr से कराई, ये उत्पाद बना सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अब वो डायरेक्ट आपको HBr ना दे और वो क्या दे सोडियम ब्रोमाइड दे दे, तो वो कैसे अभिक्रिया होगी? तो सेम उसी प्रकार से अभिक्रिया होगी। अब क्यों होगी, तो उत्पाद कैसे बनेगा आप देखें कि यहां पर H2SO4 को पता है आपको H2SO4 अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है, ये पढ़े आपने अम्ल की क्षारकता और क्षारकीय अम्लता, नहीं 11th, दो देखो
एक सेकंड, जैसे HCl है, अम्ल है, अब ये HCl टूटेगा भाई अम्ल कौन होता है, H प्लस आयन दे, जनी विलयन में प्रोटॉन दे या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है, तो ये H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, NaOH आयनित होगा Na प्लस और OH माइनस। अब ध्यान से सुने कि इस अम्ल ने कितने H प्लस आयन दिए, बोलो एक, ठीक है, और अगर मैं कहूं कि H2SO4, अच्छा H2SO4 की संरचना तो आपने लैब में बहुत अच्छे से पढ़ी है, लुईस संरचना सूत्र में ऑक्सीकरण निकालने में, और वहां तो इसकी संरचना ये होती है, आपको पता हो तो सल्फर ये होती है ना, तो अब ये होती है ना, तो ये H प्लस निकलेगा यहां से, ये H प्लस निकलेगा, मतलब ये H2SO4 कितने H प्लस आयन दे सकता है, दो, यहां से H प्लस, इस पर माइनस, ये H प्लस और इस पर माइनस, तो ये कैसे टूटेगा बोलो, ये टूटेगा ऐसे 2H प्लस और SO4 माइनस 2, ठीक है ना, लेकिन टूटता दो बार में, जैसे पहले एक H प्लस आयन देगा H प्लस HSO4 माइनस, फिर एक H प्लस SO2, ये 11th की बात है, तो जो एक H प्लस आयन देता है अम्ल की अम्लता, वो अम्ल की क्षारकता और ये बोलने का तरीका है, कि अगर कोई अम्ल एक H प्लस आयन दे तो उसको हम कहते हैं एक क्षारकीय अम्ल, क्या कहते हैं, एक क्षारकीय अम्ल, और अगर दो H प्लस आयन दे तो द्विक्षारकीय अम्ल, और तीन H प्लस आयन दे तो त्रिक्षारकीय अम्ल, और ऐसे क्षार को क्या कहते हैं, अगर एक OH माइनस आयन दे तो एक अम्लीय क्षार, दो OH माइनस आयन दे तो द्वि अम्लीय क्षार, जैसे CaOH का होल पेयर, ये कितने लेगा, Ca प्लस टू और टू OH माइनस, तो द्वि क्षार, द्वि अम्लीय क्षार, ये 11th की बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं यहां, तो H2SO4, अब यहां पर आप देखिए मैंने कहा ना कि ये कैसे टूटेगा, NaBr, तो अगर अभी आपको इस प्रकार से दी हो एथेनॉल प्लस NaBr कंसंट्रेट, कंसंट्रेट हो या सांद्र लिखा हो एक ही बात है, मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, जिससे कि आपको सबके बारे में पता हो, क्योंकि हिंदी मीडियम में है बात वैसे तो, लेकिन कुछ चीजें क्या है इंग्लिश में लिखी आ जाती है, बच्चा घबरा जाता है यार CuN पता नहीं क्या आ गया, तो इसलिए मैं लिखा, ठीक है ना, अब आप देखिए कैसे अभिक्रिया होगी इसमें, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, देखो मैं बताऊं आपको कि ये जो Na है ना, अब ये Na तो यहां से एक इसको यहां तोड़ सकते हैं, आप बता रहा हूं तोड़ के फिर सीधी लिख दूंगा, ठीक है ना, H O SO3 H ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, तो ये जो है ना OH वो तो एक H को लेकर H2O के रूप में निकलेगा, किसके रूप में निकलेगा, H2O के रूप में, और जो Na है वो इस पूरे को लेकर, क्योंकि Na पर प्लस और इस पर क्या आ गया माइनस, बंद कैसे टूटेंगे इसको मैं आपके लिए आपको कराऊं, देखो OH पर माइनस भाई बंद ऐसे टूटेगा, Na पर प्लस Br पर माइनस बंद टूटेगा कि नहीं टूटेगा बोलो, उन्हें देखें अब क्रिया तो मैं सीधी लिखा सकता हूं आपको, लेकिन फिर वो कहेंगे गुरुजी रटने वाली बात हो गई, देखो CH2OH, और अगर ऐसे अब क्रिया दिया तो डायरेक्ट आपने लिख दिया, आपको कोई कंफ्यूज नहीं हुआ, Br और यहां पर HOSO3H ऐसे लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को की संरचना बनाई मैंने अभी, तो ये कैसे टूटेगा, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल H प्लस और ऊपर माइनस, Na पर प्लस और Br पर माइनस, O पर माइनस और कार्बन पर प्लस, अब इनको आपको क्या करना है, अब केवल एडजस्ट करना है, देखो Na जो है, Na जो है वो किसको ले जाएगा बोलो, Na ले जाएगा Na प्लस इसको, Na प्लस इसको ले जाएगा, H प्लस OH को ले जाएगा, क्योंकि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई कि जहां भी तंग H2SO4 आए जल के अणु का योग करना, सांद्र H2SO4 आए जल के अणु का क्या करना, निष्कासन करना, अभी निकल गया ये कौन निकल गया, दो NaHSO4 और H2O, क्या बचा Br और क्या बन जाएगा बोलो, मतलब उत्पाद यही बनेगा,
और इसको मैं बताऊ आपको, देखो पहले सुन ले, अगर इस प्रकार से अभिक्रिया आए ना NaBr plus H2SO4, तो पहले तो ये लवण और ये अम्ल है ना मिलके क्या बना लेंगे, मिलके ये बना लेंगे क्या, NaHSO4 plus HBr, और ये पर HBr इससे क्रिया करेगा वही उत्पाद बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही यदि कोई यूं कहे कि गुरुजी हाँ सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4 ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल, अब ये भी जब क्रिया करेंगे ना तो यहां पर भी H प्लस आएगा, और वो H प्लस किसको, HI, और Na किसके साथ चला जाएगा, NaH2PO4। तो इनसे भी क्रिया मैं अभी कराऊंगा, तो मैं आपको देखिए नहीं बताता तब भी मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप हाँ याद कर लेंगे, लेकिन क्यों आया, ऐसे आ सकती है अभिक्रिया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये अभिक्रिया आपको लिखी मिलेंगी लेकिन ये अभिक्रिया आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो ये मैं आपको लिखवा रहा हूं, कहीं तक भी आ जाए इनसे संबंधित आपको कोई अभिक्रिया नहीं मिलेगी अब, ठीक है। बात समझ में, मैं क्या कर रहा हूं, HBr से डायरेक्ट सांद्रेष्टपुर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, अगर अभिक्रिया इस प्रकार से आती है तब भी आपका क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, और अगर अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या पोटेशियम आयोडाइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ आती है तब भी एल्किल आयोडाइड ही बनेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो ये देखिए, क्योंकि ये अभिक्रियाएं कैसे भी आए हमारे लिए धीरे धीरे करके आपको दिमाग एथिल अल्कोहल मजा आता जाएगा अभिक्रियाओं में, कि कठिन आती जाएंगी ना अभिक्रिया तब आनंद आता है, सरल सरल तो कोई भी कर ले, सरल या तो ये तो काट के लिख दी क्या मजा आया, नहीं कहां, यहां दिमाग ध्यान चलना चाहिए, घोरना चाहिए दिमाग को, भीतर क्या होना चाहिए, मथना चाहिए दिमाग, घी कब निकलता है, घी को वो दही को बस वैसे ही उल्ट सुलट कर लो घी निकल कर जाएगा, जब तक उसमें से अच्छे से अच्छे उसकी नस नस नहीं टूटेंगी ना तो घी नहीं निकलता है ना। तो ये देखिए NaBr प्लस H2SO4 यानी तो आप कंसंट्रेट, ठीक है, तो बाहर क्या निकलेगा, देखो बाहर निकलेगा H2O NaHSO4 और बन क्या जाएगा यहाँ पर CH3CH2Br। कई बार पूछी गई है बोर्ड में, पूछी गई है आपके एग्जाम में, पूछी गई है ये वाली सीएम डिट को, ठीक है ना। तो आप पहले लगा के लिखें एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HBr से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, ये दोनों क्रियाएं आप बता लो, ठीक है ना। और देखिए मैं स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार से तोड़ना बता रहा हूं, अगर आप ना भी तोड़े ना तो आप इसको सीधे भी आप लिख सकते हैं, ऊपर तो तोड़ के बता दिया, आप लिखना चाहे तो इसको H प्लस ना लिखे, डायरेक्ट H को निकालते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको ये पूरे दिमाग में सेट हो जाए क्रिया, ठीक है। दोनों क्रिया बता लो इस पर, यहाँ ये एरो लगा के लेना, ये वाली क्रिया याद रहे, अच्छी क्रिया है ये वाली,
लिखी होंगी बेटा, है ना। इसके बाद देखिए दो अपक्रिया और लिखवाता हूं इसमें, फिर आगे चलेंगे इसमें जितनी अपक्रिया हो सकती है। अब ये मानो का आप बहुत सारी अपक्रिया कर चुके हैं इससे संबंधित, अब मैं इसमें दो अपक्रिया करके भी छोड़ सकता था इसको, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार समझ में आने के बाद है ना ये अपक्रियाएं आपको दोबारा दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो अपक्रिया और है, यदि हम एल्कलाइड की अच्छी लब्धि, लब्धि माने होती है मात्रा, इधर देखो एक अपक्रिया तो आपने कर ली थी कौन सी, एच आई के साथ सीधी क्रिया करवाई थी एल्कोल की, यहां पर हम क्रिया करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड और ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ठीक है। सेम अभी जो क्रिया करवाई मैंने आपको बता दिया कैसे, सेम वही होगी, या CH3CH2OH पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा ये आप कहोगे गुरु जी डायरेक्ट ही क्यों नहीं करवा देते आप, एच आई के साथ ही क्यों ना करवा दे भाई, KI NI ये ओवरऑल टूट तो बन तो एच आई रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इस प्रकार से जब हम अपक्रिया करवाते हैं ना तो एल्किल आयोडाइड जो प्राप्त होता है उसकी मात्रा बहुत अच्छी प्राप्त होती है, मात्रा अच्छी प्राप्त होती है इस प्रकार से ऐसे अपक्रिया कराते हैं। डायरेक्ट करवाते हैं तो उत्पाद तो बनेगा लेकिन आपको ज्यादा मात्रा में अच्छी लब्धि यदि प्राप्त करनी है तो अपक्रिया ऐसे करवानी पड़ेगी। ये कौन है, एथिल अल्कोहल, ये भी एथिल अल्कोहल। अब देखो वही मैंने तोड़ के बताया आपको, बाहर क्या निकलेगा देखो H2O और NaH2PO4, यहां पे भी H2O और NaH2PO4 और बनेगा क्या CH3CH2I CH3CH2I एथिल आयोडाइड एथिल। अभी जितनी अपक्रिया मैंने यहां लिखाई है ना आपको इसके रासायनिक गुण में, इसके एल्कोल के HCl से क्रिया कराइए निर्जल जल HCl2 की उपस्थिति में, KI NI से कराइए, HBr से कराइए, ये सारी अपक्रिया चैप्टर 10 में भी है, वहां एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में है ये डिट्टो, ठीक है ना। तो आप एरो लगा के पॉइंट लिख लें, लिखो जब एल्कोल की क्रिया NaI सोडियम आयोडाइड या KI पोटेशियम आयोडाइड तथा NaI या KI तथा ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल ब्रैकेट में H3PO4 ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आयोडाइड की करवाई जाती है तो एल्किल आयोडाइड की अच्छी लब्धि, ब्रैकेट में लब्धि में ब्रैकेट में लिखना मात्रा, एल्किल आयोडाइड की अच्छी लब्धि ब्रैकेट में क्या लिखोगे मात्रा प्राप्त होती है। यह अपक्रिया बता दिया, में ये आपका सोडियम जो है पी के ही आएगा ना, वो लिख गया था ऊपर लिखा के H2PO4 अब के बता दे बेटा ना, कोई प्रॉब्लम किसी को, प्रॉब्लम कोई
इसके बाद देखिए ये हमारी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आपके पास लगभग 6-7 अभिक्रियाएं पहुंच चुकी हैं है। देखिए अब आप अगर इसको पढ़ोगे ना एक बार आपको सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है बस, नहीं तो फिर सबसे पहले जो लिखा है ना आर ओ एच प्लस एच एक्स, एच ओ एच को लेकर किसके रूप में निकलेगा एच टू ओ, क्या बनेगा आर एक्स, सेम उत्पाद बन रहा है सब में। केवल आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एच आई है उसके लिए किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, और कौन सी अल्कोहल तीव्रता से करेंगे वो 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, कारण क्या है मध्यवर्ती कार्बन एमाइन का स्तर है, ठीक है। ये सब कुछ हम कल पूरा पढ़ चुके हैं पूरी क्लास में, इसके अलावा ये कुछ अलग से लेकिन उत्पाद से, और कारण क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्रिया करके ओवरऑल बनते किसमें एच आई और उसी क्रिया कर लेते, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना उसमें दूसरी हेडिंग डालो आप, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया हो गई, अब नंबर 2 बहुत अच्छी अभिक्रिया सरल अभिक्रिया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से क्रिया PCl5 से, ब्रैकेट में PCl5 लिखना, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ब्रैकेट में PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड PCl5 से क्रिया, बहुत सरल अभिक्रिया है ध्यान से देखिए आप। इधर देखिए ROH और PCl5, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं PCl5 के बारे में, वैसे आपने अभी तो पढ़ा होगा PCl5 क्यों पढ़ा होगा कहां पढ़ा होगा ये बता देता हूं मैं आपको, ये आपने संक्रमण में पढ़ा होगा बेटा, किसमें पढ़ा होगा संक्रमण में, PCl5 में फास्फोरस का जो संक्रमण है वो sp3d, कौन सा होता है sp3d होता है, और देखो इसकी संरचना अगर आपको पता हो sp3d संकरण की जो ज्यामिति है ना वो त्रिकोणीय द्विपरमाणीय होती है, त्रिकोण एक तल में त्रिकोण और द्विपरमाणु एक परमाणु ऊपर और एक यह नीचे अगर हम बताना चाहें तो ये उसकी ज्यामिति है PCl5 की, ध्यान से सुने PCl5 की बात कर रहा हूं संकरण sp3d। अब यहां पर जो ये बंध है ना ये 3 PCl1 इनके मध्य 120 डिग्री का कोण होता है, बाकी के 2 बॉन्ड कितने के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो ये जो 3 बॉन्ड हैं ये जो PCl है ना ये एक ही तल में होते हैं, ये क्या होते हैं एक ही तल में, और ये इनके क्या होते हैं परमाणु। तो आपको बताएं कि PCl5 क्या है, थोड़ा सा ये अगर किसी से क्रिया करता है या ताप उससे तो ये तुरंत इन बॉन्डों को तोड़ देता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी यहां बॉन्ड तोड़ने वाला हूं। तो बॉन्ड में सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना। अब देखो देखो एक देखो बंध कौन सा टूटेगा ये PCl ये वाला, ठीक है ना। अब जब ये बंध टूटेगा ना तो ये किस में टूट जाता है देखना, एक तो PCl3 में तुरंत ये PCl3 के रूप में ज्यादा क्या होता है स्थाई होता है,
तो PCl5 ऐसे टूटता है, ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा। अब यहां आ जाओ देखिए, तो एल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से कराएंगे ना, तो PCl5 को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं Cl और 3Cl3 को मैं एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि एक ही तल में है और ये टूटेंगे नहीं। तो ये क्या है, एक जो Cl है आपको पता है 2Cl टूटने वाले, एक Cl तो यहां से H को लेकर किसके रूप में HCl, ठीक है ना। और ये जो यहां पर दो बॉन्ड फास्फोरस के फ्री होने वाले, यहां पर ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना इसको लेकर, अब देखो क्या आ गया, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3Cl POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, एल्किल और ये Cl, भाई एक Cl बचा है और ये R, क्या बन गया RCl, ये कौन है बोलो, एल्कोहल, और ये क्या बन गया एल्किल क्लोराइड। बात समझ आई नहीं? अब मैंने चूंकि इनको मैं डायरेक्ट कट करता तो आपको याद भी हो जाता, आप पूछते भी, लेकिन एक्चुअल में क्यों ही आपके दिमाग में बात आ सकती है, सर ये दो ही बंद क्यों टूट रहे हैं, पांचवी क्यों नहीं टूट रहे, तो मैंने आपको इसके स्थायित्व बंद ऊर्जा ये सारे के सारे संकरण में हमने इनकी ज्यामिति वगैरह हम पढ़ी है, तभी तो 11th पढ़ने के बाद 12th में पढ़ते हैं, वे जो चीज 11th में पढ़ेंगे वो 12th में हम नहीं पढ़ते, वो काम आती है लेकिन हर स्टेप में। अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखो CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, एक और बात, PCl5 हमेशा उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों से क्रिया करता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह होते हैं, तीन अभिकर्मक आपको मिलेंगे PCl5, अभी PCl3 से भी कराएंगे, उसके बाद SOCl2, तीनों उन्हीं यौगिकों से क्रिया करेंगे जिसमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह होगा, जैसे एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिनोल है, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो एथिल अल्कोहल इसकी क्रिया किससे कराए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये H Cl को ले जाएगा, ये ऑक्सीजन Cl कहा मिलेगा कार्बन, घटना है क्या बोलो, HCl-POCl3 और ये बन गया हमारा एथिल क्लोराइड। सरल अभिक्रिया है, सिंपल है, कितने भी कार्बन के अणु से क्या बनेगा एल्किल क्लोराइड। लिखिए जब एल्कोहल की क्रिया, जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ करवाई जाती है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब ये आपको 12th में आपको दो तीन जगह अभिक्रिया मिलने वाली है, चैप्टर 10 में एल्किल हैलाइड बनाने की विधि मिलेंगी अभिक्रिया, फिनोल के साथ भी PCl5 की क्रिया कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी PCl5 की क्रिया कराएंगे, तो उसमें सब में क्या होगा ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह जाएगा और Cl आके जुड़ेगा, दोनों क्रिया होगा।
पत्तियां उतार ली होंगी आपने, ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें नंबर तीन हेडिंग डालो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ब्रैकेट में पीसीएल थ्री सेक लिया। पीसीएल थ्री सेक लिया। अब देखिए एल्कोहल की क्रिया अभी मैंने आपको पीसीएल फाइव से करवाई, एल्किल क्लोराइड बना और मैंने उसकी संरचना भी आपको दिखाई थी, तो संरचना में क्या था का PCl3 की जो बॉन्ड है ना वो तो सब बॉन्ड क्या है समान है, तो ये टूटेंगे तो एक साथ टूटेंगे, ठीक है ना। तो PCl5 के साथ जब क्रिया करवाई थी तो एल्कोहल की कितने अणु लिए थे हमने, एक अणु, कितना अणु लिया था एक। लेकिन यहां पर जब हम PCl3 के साथ क्रिया करवाएंगे तो PCl3 में क्या होगा, ये तीनों PCl बंध एक साथ टूटेंगे, तो यहां पर एल्कोहल के अणु हमको कितने लेने पड़ेंगे, तीन। कितने अणु लेने पड़ेंगे, तीन, तीन अणु लेने पड़ेंगे। देखो Cl पर माइनस और फास्फोरस पर क्या आएगा प्लस, और यहां पर क्या आएगा OH पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो ये बंद कैसे टूट जाएगा, देखो ये जो P है ना फास्फोरस जो है यहां से तीन OH को ले जाएगा, किसको ले जाएगा तीन OH को। मेरे हिसाब से वो आपको दिमाग में बैठने लग गई है भाई, ऑक्सीजन पर प्लस, वो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, यहां पर प्लस और Cl पर माइनस। अब एक फास्फोरस पर प्लस तीन आवेश आएगा तो तीन ओ एच माइनस को ले जाएगा, और किसके रूप में देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी ओ एच का होल थ्राइस, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं एच थ्री पीओ थ्री, ठीक है ना, एच थ्री पीओ थ्री फास्फोरस हम, और तीन एल्किल समूह है और तीन ही कौन है सी एल, क्या बन जाएगा बोलो आर सी एल, एल्किल क्लोराइड। बोलो सरल है या कठिन है, सरल है। एक बार समझ में आ जाए पीसीएल फाइव के साथ क्रिया समझ में आ गई तो पीसीएल थ्री के साथ ऐसे। अब देखो ये कौन है एल्कोहल, अब एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं हम सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ये कौन है एथिल एल्कोहल, क्रिया किससे कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया, ये क्या लिखा है वहां एस थ्री पीओ थ्री थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एल एथिल क्लोराइड। हाँ हाँ अभी 10 मिनट बाद लिखिए, जब एल्कोहल की क्रिया, जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे PCl3 के साथ करवाई जाती है तो निर्माण होता है एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, दोनों क्रियाओं पर लिख दिया।
कोई दिक्कत? देखिए इसके बाद देखो, अब यहां पर अगर जैसे हमें इसी में हम एक नोट लिखेंगे, अगर हमको इसी अभिक्रिया द्वारा हमको एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, क्या बनाना है? एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड, तो आपको बता दूं PBr3 तथा PI3 क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। तो ये बड़े बनाए आपको मिलेंगे नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हमको इसी अभिक्रिया से और एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना है तो एल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया? एल्कोहल की क्रिया Br2RP लाल फास्फोरस तथा Br2 के साथ करानी पड़ेगी, या एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस तथा I2 के साथ करानी पड़ेगी। और उत्पाद इनसे क्या बनेगा? देखो एल्किल यहां बनेगा ब्रोमाइड और यहां बनेगा आयोडाइड। अभी मैंने अभिक्रिया लिखी है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने क्या कर दिया, यहां दो Br है, पी है, कहां वो गया, क्या हुआ? तो मैं आपको बताऊं, अगर इस प्रकार से अभिक्रिया लिखी मिले आपको एल्कोहल प्लस Br2 रेड पी, तो आपको उत्पाद ऐसे लिखना है। एक्चुअल में क्या है कि जो ये फास्फोरस है ना, रेड पी और Br2 आपस में क्रिया करके, और ये देखिए ये क्रिया करके क्या बना देते हैं, ये PBr3 बना देते हैं, 2PBr3। ध्यान से सुने, रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से कराएंगे, ठीक है ना? तो उत्पाद ये बनेगा एल्किल ब्रोमाइड। अब क्रिया सेम कैसी होगी? सेम जैसे अभी हमने PCl3 के साथ करवाई थी ना, उसी प्रकार से होगी। कैसे बनते कैसे हैं भाई? P+Br2=2Br3। आपको गुरु जी यहां पर दो कैसे लिया है? भैया देखो, संतुलित करने के लिए इसको दो लिया है, हमको PBr3 एक अणु चाहिए। तो PBr3 से जब हम एल्कोहल की क्रिया करवाएंगे ना, तो आपको पता है ट्राई हैलाइड में भाई फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ कितने एल्कोहल का अणु ले रहे थे हम? 3। तो यहां पर PBr3 के साथ कितने लेंगे? 3। तो ये PBr3 उत्पाद सेम आएगा, देखो क्या निकलेगा बाहर, वही H3PO3 और 3 ब्रोमाइड से जुड़ जाएंगे। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब सुनो, अब ये एक्चुअल में अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ये पहले जैसे हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करा रहे हैं एल्कोहल की, तो लाल फास्फोरस पहले Br2 से क्रिया करके क्या बना लेता है? PBr3 बना लेता है। और ये PBr3 किससे क्रिया करता है? एल्कोहल से क्रिया करता है, क्या बनाता है? एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। अब यदि आपको सीधे सीधे ऐसे लिखा मिले और यहां पर कोई उत्पाद ना मिले, तब भी आपको सीधे अगर यहां पर एक अणु लिया तो आपको डायरेक्ट एक अणु यहां दिखा देना है, एल्किल ब्रोमाइड। मैं दोनों तरह से अभिक्रिया क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर आपको एग्जाम में कहीं भी कोई एग्जाम कंपटीशन में अगर अभिक्रिया इस प्रकार से आए तो भाई उत्पाद क्या बनेगा, तो आप घबरा जाओगे क्या बनेगा। तो आपको मैक्सिमम उत्पाद इस प्रकार से ही मिलेगा, लाल फास्फोरस Br2 की उपस्थिति में, PCl3 के साथ सीधा मिलेगा, PCl3 का अस्तित्व होता है, ये अस्थाई होता है। तो इसलिए इनके साथ यदि इसी अभिक्रिया से हमको एल्किल ब्रोमाइड आयोडाइड बनाना है, तो हमको अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 के साथ करानी पड़ेगी, और यह लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 के साथ करानी पड़ेगी, और ये इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। कोई दिक्कत है किसी को? उन्हें समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। PCl3 अस्तित्व होता है, स्थाई होता है, PBr3 PI3 अस्थाई होता है। यदि हमको इसी एल्कोहल से और एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है, तो अब यह लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 से, अब Br2 से कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। बनेगा कैसे वो अभिक्रिया मैंने यहां देखा, ठीक है। आप नोट लिख लें, नोट
लिखिए, लिखो पी बी आर थ्री तथा पी आई थ्री, पी बी आर थ्री तथा पी आई थ्री अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं यदि यदि उपर्युक्त अभिक्रिया द्वारा उपर्युक्त अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Br2 या I2 के साथ करवाई जाती है। Br2 या I2 के साथ करवाई जाती है। आवाज तो कितनी श्याम सर, यार ये तो लगी ना जिसे हम देखे आवाज लिख लो अभिक्रिया। दोनों ये भी लिखनी है आपको, ये भी लिखनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर इस प्रकार से आए केवल रेड पी प्लस बी आर टू, क्योंकि पी बी आर थ्री तो क्या होता है अस्थाई होता है, आएगी अभिक्रिया इसी प्रकार से। ये मैं इसलिए क्यों लिखवा रहा हूँ कि ये कहाँ से उत्पाद आया इसको समझने के लिए लिखना जरूरी है, ठीक है ना। पहले ये दोनों लिखो उसके बाद ये लिखिए। इसको ब्रैकेट में ही लिखना है आपको बेटा, ठीक है। ये उतारने बेटा है ना, और आज के लिए इतना ही। अभी इसमें एक अभिक्रिया और है, तब हमारी ये पूरी नाभिकीय प्रतिस्थापन अपक्रिया कंप्लीट होगी, वो हम आपको नेक्स्ट करवाएंगे कल। थैंक यू।